नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मामा महल के बारे में। दोस्तों, मामा महल को इतना बड़ा चुगलखोर क्यों कहा गया है? आला जो महल था, मामा महल, उसकी आला से उदल से क्यों दुश्मनी थी? क्योंकि ये थे बनाफर। और आपको बता दें कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अग्नि कुंड से इन लोगों की उत्पत्ति की थी। सोलंकी, परिहार, चंदेल, चौहान, चार लोगों की उत्पत्ति की थी। आपको बता दें जो महोबा राज्य है उत्तर प्रदेश में, महोबा राज्य पर पहले राज्य करते थे जो मामा महल के पिता थे मूलवंत। मूलवंत राज्य करते थे। मूलवंत का बेटा था मामा माहिल, जिसे मामा माहिल कहते हैं, माहिल। और उनकी जो बहनें थीं मामा माहिल की, वो तीन बहनें थीं। एक बहन जो विमला, जो तीन बहनों में से एक राजा परमाल के साथ शादी हुई थी, एक राजा जयचंद्र के साथ शादी हुई थी, और एक शादी थी जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के बेटे से, चौहान से हुई थी, पृथ्वीराज के चौहान से बेटे, तीन शादियां हुई थी। अब मैं आपको बता दूं, काव्य के अनुसार, आला खंड काव्य के अनुसार, कि जो जब महोबा पर मूलवंत राजा राज्य करते थे तो चंदेले जो राजा परमाल थे, चंदेल वंश थे, उन्होंने महोबा पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर बलपूर्वक माहिल की बहन से विवाह कर लिया। जब बलपूर्वक विवाह कर लिया तो वो तो गुस्से में विवाह हुआ, जबरदस्ती विवाह हुआ। तब जो उनकी पत्नी थी, ब्रह्मा जीत की माँ थी, जो बनी थी, वो राजा परमाल के साथ, जो राजा परमाल की पहले राजधानी थी खजुराहो, वहाँ जाना नहीं चाहती थी। जब वहाँ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तभी राजा ने, परमाल ने, उस महोबा को ही अपनी राजधानी बना लिया और वहीं पर अपनी राजधानी चलाने लगे। जब वो अपनी वहीं पर राजधानी चलाने लगे और जो महल था मूलवंत, रिश्ते में तो परमाल उसके जीजा लगते थे, जब उन्होंने, परमाल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में महल एक साधारण व्यक्ति था, वो हमेशा चाहता था लोगों से मेरी बनी रहे। उसने यहाँ तक कि अपने जो क्षेत्र था उसमें शिकार पर भी प्रतिबंध लगा रखा था, कोई भी उधर उसके क्षेत्र में शिकार नहीं कर सकता था। उसकी बनापसों आला उदल से तो कोई दुश्मनी नहीं हुई थी, क्योंकि आला उदल तो ये तो बाद में आए थे, जब इनके पिता दक्षराज भक्षराज अपना फैसला कराने के लिए इनके बाग में रुके थे, जब इनके बाग में रुके थे महोबा में, तब वहां पर करंगा राय ने डकैती डाली थी। तब उन्होंने कहा था आला उदल के पिता ने कि अगर मेरे होते हुए डकैती पड़ गई तो मुझसे बड़ा यहाँ कोई नहीं होगा कि मेरे होते हुए। तब उन्होंने परमाल की जान बचा के करंगा को से लड़ाई लड़ी थी। बाद में करंगा ने अचानक हमला बोला था महोबा पर, जिसमें आला उदल के जो पिता थे दक्षराज वक्षराज, उनकी गर्दन काट कर उसने अपने किले पर बरगद पीपल के पेड़ पर उल्टी करके खोपड़ी लटका दी थी। और आपको बता दें, मामा जो महल था उसको भी राजा परमाल ने जबरदस्ती महोबा से निकाल दिया था। जब उसे महोबा से निकाल दिया था, उसे उत्तर प्रदेश में एक जिला है, आपको बता दें, जिस जिला का नाम है जालौन। जालौन में है एक उरई, उसे उरई का राजा बनाया था दोस्तों, लेकिन वो राजा तो बन गया था उरई, जिसको भाई साहब आपके घर से मैं आपको जबरदस्ती निकाल दूंगा तो क्या आप मुझे मेरी पूजा करोगे? मन में तो मेरी पूजा करोगे मगर मेरी आपसे हमेशा घृणा करेंगे, मैं दुश्मनी रहेगी। वो ही हाल था मामा महल का, उसे अपने ही घर से राजा परमाल ने निकाल दिया था।
और उसे उरई का राज दिया था, वो तो हमेशा बातों में लोगों को फंसाना चाहता था, अपना मेल रखता था राजाओं से कि मेरी बनी रहे। लेकिन मान सकते हैं कुछ चुगलखोर उसे बताते हैं कुछ हुआ होगा जरूर जो उसे फेमस है। कुछ काव्य में राजपूतों का इतिहास छिपाया गया है जिसमें यही लिखा हुआ है क्योंकि राजपूतों से लोग डरते थे इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा कर दिया को वो आपस में ही लड़ते रहें, आपस में ही मरते रहें, ये कुछ इतिहास बताया गया है। इतिहास में कुछ और, जमीनी हकीकत पे कुछ और, उसके पन्ने झांक कर देखूं आप। इसीलिए आला उदल की उससे विशेष दुश्मनी नहीं थी महुआ वाले महल की, कोई उसे शकुनी का अवतार बताता था, लेकिन पहले लोग जबरदस्ती बलपूर्वक शादियां कर लेते थे। आज अगर मैं आपकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेंगे, बलपूर्वक करेंगे, क्या आप मुझसे खुश रहोगे? नहीं खुश रहोगे, आप बताइए। इसी प्रकार राजा परमल ने जो माहिर के पिता थे मूलबंत, उनकी बेटी से जबरदस्ती विवाह किया था। इसीलिए हमेशा जो माहिर था वो खिसे आता था, इसीलिए उसे चुगलखोर कहा गया। दोस्तों आगे मैं कुछ और जानकारी आप दूंगा। अगर आपको इतनी सी जानकारी आला खंड का आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ, नई आला खंड काव्य के साथ। अगर आप लोगों से अनुरोध है विनम्र, मुझसे कोई गलती हो रही हो तो प्लीज अपना बेटा समझकर मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय हिंद।